अभी सुबह के 10 साढ़े 10 हो रहे हैं फ्रेंड, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फर्टिलाइज़र ऐसा नहीं है कि हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाएगा। ये मॉर्निंग ग्लोरी का बेल है फ्रेंड, और ये मेरी बालकनी से होते हुए यहाँ पे आया है। और ये मेरा आलामांडा का प्लांट जो बहुत अच्छी ग्रोथ में है, और इसमें मैं सिर्फ एक लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ, और उससे ही मेरे पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं आफरीन खान। आज मेरा वीडियो एक सिंपल से फर्टिलाइज़र के ऊपर है फ्रेंड। मैं हमेशा उस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने बालकनी के प्लांट्स में करती हूँ, लेकिन कल मैंने यानी कि सारे प्लांट्स को पानी भी दिया था और पत्तों में थोड़ा यानी कि दूध का स्प्रे किया था, दूध को पानी में मिला के यानी मिल्क को। तो आज मुझे बालकनी में बिल्कुल पानी देना नहीं है फ्रेंड, तो मैंने सोचा उस फर्टिलाइज़र को ला के मैं अपने छत वाले प्लांट में डाल दूँ। तो मैं उस फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ फ्रेंड इंडोर प्लांट में, आउटडोर प्लांट में। उसके करने पर मुझे 6-6 महीने कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेरे पौधे में बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है उस फर्टिलाइज़र से। तो मैं उस फर्टिलाइज़र को आपको दिखाऊंगी, बहुत आसानी से घर पे ही तैयार हो जाता है फ्रेंड वो, यानी हम सबके घर पे निकलता है, और उसे बिल्कुल ना फेंकें आप। मैंने सुबह में इस फ्लावरिंग प्लांट का शॉट डाला था, और एक सिस्टर ने मुझे यानी कि कहा है कि वो उनको बहुत पसंद आया उनको ये फ्लावर। तो ये मैंने कटिंग से लगाया था फ्रेंड, मैंने कहीं से ख़रीदा नहीं है, मैं कहीं पर गई थी और वहाँ से मैंने ये कटिंग लाया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है वो प्लांट, और ये भी मेरे कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है, और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरीके से कटिंग के द्वारा भी हम बहुत आसानी से ढेरों पौधे बना सकते हैं, हमें ख़रीदना भी नहीं पड़ता है फ्रेंड। और सारे पौधे बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बेगम बहार, ये भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे कलियाँ आई हुई हैं। और ये 5 स्पाइक की तो मैं बात ही क्या करूँ, इसमें कुछ केयर ही नहीं होता है, और इस तरीके से इसमें फ्लावरिंग होती रहती है फ्रेंड। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड मेरे रेन लिली के प्लांट में भी अभी फ्लावरिंग यानी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 दिन जो लगातार बारिश था उसकी वजह से। और ये जो फ्लावरिंग प्लांट है फ्रेंड, ये गलाडिया का प्लांट, इसमें मैं उस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने वाली हूँ। तो ऐसा नहीं है, इस फर्टिलाइज़र का एक खासियत है फ्रेंड कि ये धूप हो छाँव हो कभी भी किसी भी टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इससे। नहीं तो गोबर की खाद का या दूसरे जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं मस्टर्ड केक, ये सब का हमें सुबह के टाइम पर या शाम के टाइम पर इस्तेमाल करना होता है, लेकिन इस फर्टिलाइज़र को हम किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ये फ्रेंड, ये जो है ऊपर तो आपको दिख रहा होगा, ये प्याज के छिलके हैं, और ये जो पानी है फ्रेंड चावल धोया हुआ पानी है। इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से हम अपने पौधों में ज़्यादा फूल पाने के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए हम कर सकते हैं। तो मैंने कल जो चावल धोया था उस पानी को फेंका नहीं था, उसमें ही प्याज के छिलके भी डाल दिए थे। प्याज जो होता है फ्रेंड वो हमारे प्लांट की जो रुकी हुई ग्रोथ रहती है उसको बढ़ाने में करता है। जैसे कि आपने बहुत सारे आजकल ऑयल भी आ गए हैं जिसमें प्याज का यानी कि इस्तेमाल होता है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है फ्रेंड। तो इसको इस तरीके से हिलाना है, हिलाने के बाद प्याज के छिलकों के साथ ही मैं इसको अपने पौधों में दे दूँगी, क्योंकि प्याज का छिलका भी बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि ये डिकम्पोज नहीं होगा प्लांट में, ये आसानी से अपने आप को डिकम्पोस्ट कर लेगा। मैं इस तरीके से लूँगी फ्रेंड। और ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, अभी सुबह के 10 साढ़े 10 हो रहे हैं फ्रेंड, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फर्टिलाइज़र ऐसा नहीं है कि हमारे पौधों को नुकसान पहुँचाएगा। और ये इसमें तो 3 जग डालना पड़ेगा फ्रेंड। बहुत ही फ्री का और बहुत ही अच्छा पावरफुल फर्टिलाइज़र है, इस फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर यूज़ करें। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।